हेलो, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हकलाने का इलाज सम्मोहन उपचार से। मेरे कई पहले वीडियो में मैंने बताया कि हकलाना जो है स्टटरिंग या स्टैमरिंग, ये एक मानसिक बीमारी है। टेंशन के वजह से ये बीमारी आती है। स्ट्रेस, चिंता, टेंशन या ऐसी कोई घटना हुई कि जिसमें वो एकदम व्यक्ति बच्चा दब गया और बहुत उसको मेंटल शॉक बैठ गया, तो उसमें वो हकलाना चालू कर देता है और वो धीरे 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 बढ़ते जाता है। और जितना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर आएगा, बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर, मतलब काम करने का प्रेशर, या बहुत मतलब गुस्सा करने वाले पिताजी होंगे उनका प्रेशर, या मार पड़ रही है पिताजी से, उसकी वजह से मतलब ये हकलाने का जो प्रॉब्लम है ना, इसमें काफी सारी जो मतलब काफी सारे जो पेशेंट्स हमारे दिखते हैं ना, उसमें ये दिखता है कि घर में ऐसा कोई तो भी बहुत ही अग्रेसिव या डोमिनेंट व्यक्ति रहता है। मतलब वो पिताजी होंगे या दादाजी होंगे, या ऐसा कोई तो भी व्यक्ति घर में रहता है कि जिसकी वजह से हकलाना ये शुरू कर देता है बच्चा। तो इसमें मैंने बताया कि ये जो हकलाने का प्रॉब्लम है, इसमें मुंह में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना गाल में प्रॉब्लम है, ना गले में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहां है, दिमाग में टेंशन है, उसकी वजह से होता है। ये लोग अकेले में अच्छी बातचीत कर सकते हैं, अकेले में अच्छा गाना गा सकते हैं। एक बार शुरू कर दिया काम, मतलब बोलना शुरू कर दिया तो अच्छा बोल लेते हैं, मगर बीच बीच में फिर हकलाते या फिर शुरू करने के समय ही हकलाते हैं। इसके ऊपर हिप्नोटिज्म सम्मोहन उपचार बहुत ही प्रभावी उपचार है। सम्मोहन उपचार में हम क्या करते हैं कि हम उसको सम्मोहित स्वसम्मोहन कैसा करना है सिखाते। स्वसम्मोहन कैसे करना, स्वसम्मोहन के लिए आराम कुर्सी के ऊपर बैठना या लेटना, या सादी कुर्सी भी चलती है, दीवार पीछे होना और अपना सिर जो है वो दीवार को पीछे टिकाना, एकदम रिलैक्स बिठाना बैठना। और एकदम रिलैक्स बैठने के बाद में वो प्रसंग, वो घटना सामने लाना, आंखों के सामने लाना कि जहां वो बच्चा हकलाता है। तो कौन से ऐसे प्रसंग है, कौन से ऐसी घटना है कि जहां वो हकलाता है, वो सामने लाने का है। तो पहले सम्मोहन का पूरा सेशन करना पड़ता है उसके लिए। तो पहले रिलैक्स हो गए, कुर्सी पे बैठे, रिलैक्स हो गए। रिलैक्स होने के बाद में अपना एक 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 जो हिस्सा है बदन का, वो रिलैक्स हो रहा है ऐसा बोलते जाना है। जैसे पैर रिलैक्स हो गए, घुटने रिलैक्स, पंजे रिलैक्स, दोनों पैर रिलैक्स, पेट, कमर, पीठ, सीना, दोनों कंधे, हाथ, सिर, मतलब पूरा बदन रिलैक्स है। और फिर 1 से 10 तक गिनती करना, जैसी जैसी गिनती बढ़ती जाएंगी वैसा वैसा मैं रिलैक्स हो रहा हूं ऐसा बोलना। और पूरा रिलैक्स होने के बाद में फिर आंखों के सामने चित्र लाना, कल्पना चित्र लाइव, कैसा कि भाई मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूं, अधिकारी से बातचीत कर रहा हूं, पिताजी से बातचीत कर रहा हूं, बड़े लोगों से बातचीत कर रहा हूं, और एकदम शांति से, आराम से, कॉन्फिडेंस के साथ में बातचीत कर रहा हूं। एक 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 शब्द शांति से बोल रहा हूं। लोग मेरा सुन के बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने भी जो मुझे मैंने जो बोला उसको हाँ बोला, और मैं मेरा जो मत था वो पूरा उनके सामने रखा और उन्होंने उसको हाँ बोला। ऐसा कोई भी मतलब सिचुएशन लेना, कोई घटना लेना बातचीत करने की, और लोगों के सामने जाके मैं ऐसा कर रहा हूँ ऐसी कल्पना कर जाना, बार 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 ऐसा करना। मैं बोलता हूँ कि 1000 बार यदि आप ऐसा करते हो घर में बैठे बैठे, प्रसंग वो है, कल्पना वो है, घटना वो है, कौन सी कि जहां हकलाते हो, बैठे कहां हो, घर में बैठे हो, और बार 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 यदि सबकॉन्शियस माइंड को वह हैमर करते हो, तो एक्चुअली जब आपका समय आएगा ना बाहर किसी के साथ में बातचीत करने का, तो वहां एकदम शांति से आप बातचीत करेंगे। और वैसे ही मैं बोलता हूं कि जैसा घर में खुद के ऊपर सम्मोहन उपचार करना और हकलाने की प्रैक्टिस, मतलब जो है कि हकलाने की मैं मतलब वो सिचुएशन में मैं शांति से बोल रहा हूं, आराम से, आत्मविश्वास से बोल रहा हूं, ऐसी प्रैक्टिस करना। और एक्चुअली जब आप बोलते हो, एक्चुअली लोगों के साथ में जब आप बोलते हो, तभी भी कैसे रिलैक्स रहने का है, एकदम रिलैक्स रह के ये पूरा जो हिस्सा है ये पूरा रिलैक्स करके शांति से आप एक 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 शब्द बोलते हैं, ऐसा एक्चुअली करना, मतलब वास्तव में भी ऐसा करना, और दूसरा घर में बैठे बैठे कल्पना शक्ति में भी ऐसा करना, ताकि बार बार जब आप करते हैं, 1000 बार जब आप करेंगे ना,
मैं आपको गारंटी से बोलता हूं आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये सम्मोहन उपचार बहुत ही प्रभावी उपचार है, क्योंकि वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर असर करता है, और एक बार सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर असर हो गया ना, तो नेचुरली सबकॉन्शियस माइंड अपने पूरे बदन को वैसे ऑर्डर देगा। सबकॉन्शियस माइंड पूरे ये जो हिस्सा है ना, ये जो टाइट हो जाता है हटाने के समय ऐसा, तो ये पूरा टाइट हो जाता है, उसको रिलैक्स होने की ऑर्डर देगा और उससे रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स हो गया तो आदमी आराम से शांति से बिल्कुल मस्त रबर जैसा पूरा समझो ये घूमता है वैसा, तो वैसा आदमी अच्छे से बात कर सकेगा। देखो चक्का साइकिल का है, उसको ब्रेक लगा दिया है, जाम हो गया चक्का, तो कैसे घूमेगा? वैसा है कि जाम हो जाता है। तो वो सम्मोहन के अवस्था में, सम्मोहन उच्चार में उसको रिलैक्स करके प्रैक्टिस करेंगे तो उनका जो जो हकलाते लोग हैं उनका जीवन अच्छा हो जाएगा, अच्छा वो जीवन जिएंगे, और उनको जो एक क्वालिटी लाइफ चाहिए उच्चतम दर्जा जीने का, वो भी उनको मिलेगा और वो काफ़ी अच्छी पोजीशन भी हासिल कर सकेंगे। तो ये वीडियो उनको शेयर करो, सभी लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम है, या आपको जो भी व्यक्ति मालूम है उनको ये इलाज के लिए आपने बोलना चाहिए, ताकि वो अच्छा जीवन जिएंगे। क्योंकि इसके लिए लोग साइकेट्रिस्ट के पास में, मनोविकार के पास में आते नहीं, मनोविकार तज्ञ के पास में आते नहीं, उनको लगता कि मैं क्या पागल हो गया। मगर अभी जब हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को एजुकेशन कर रहे हैं, तभी काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास में आ जाते हैं और ये समस्या लेके पेरेंट्स आते हैं कि भाई मुझे ये मेरे बच्चों को, एक पेरेंट को अपना पेरेंट बोलते कि मेरे बच्चों को ये समस्या है और आप ये बताओ क्या करना है इसका, तो हम उसका इलाज करके वो अच्छे हो जाते हैं और अच्छे जीवन जीते हैं। सो ये यूट्यूब पे लाइक करो, शेयर करो।